पवन का अब तक का सबसे महंगा स्टंट सीन। जी हाँ, पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार, आपको बता दें कि जिस तरह से वो स्टंट करते हैं वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। वैसे भी अपने जो ये इमेज है पवन सिंह की एक्शन किंग वाली, इसे पवन सिंह लेकर बड़े ही पजेसिव हैं। और ऐसे में पवन सिंह को कहा गया उनके स्वाभिमान फिल्म जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है उसके लिए, जिसमें कुछ एक्शन सीन है उसके लिए पवन सिंह को बॉडी डबल यूज़ करने के लिए। आपको बता दें कि फिल्मों में बॉडी डबल तब यूज़ किए जाते हैं जब कोई ख़तरनाक स्टंट किया जाता हो और हीरो उसे परफॉर्म न कर पाता हो। ऐसे में पवन सिंह ने प्रोड्यूसर से कहा कि वो जितने भी स्टंट सीन हैं वो खुद करेंगे और बॉडी डबल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ फिल्मों में हीरो की जगह बॉडी डबल का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी क्षति पहुँचे बॉडी डबल को पहुँचे, हीरो को किसी भी चीज़ की फिजिकल मेंटल कोई भी हानि ना हो। लेकिन ऐसे में पवन सिंह ने वो काम किया है जो कि काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने ये कहा है कि वो बॉडी डबल का यूज़ नहीं करेंगे फिल्म स्वाभिमान में, सारे स्टंट खुद ही करेंगे। कहा जा रहा है कि पवन सिंह के ये जो स्टंट सीन हैं वो बेहद ही खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन पवन सिंह ने ये कहा है कि अब वो कम काम करेंगे लेकिन क्वालिटी वाइज काम करेंगे। और भले ही दर्शकों को वो कम गाना सुना पाए, लेकिन भाई जो भी गाना देंगे, जो भी फिल्में देंगे वो क्वालिटी वाइज होगी। आपने देखा होगा कि पवन सिंह का गाना अंजना सिंह के साथ जो रिलीज़ हुआ है, दर्शक उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। 7 घंटे में 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है ये गाना, और इस गाने पर लोगों की निगाहें भी हैं। ये पवन का 3रा सॉन्ग है और पवन इस सॉन्ग को लेकर भी लोगों के बीच आए और लोगों को ये कहा कि ये उनका बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। अंजना सिंह के साथ काफ़ी लंबे समय बाद वो काम कर रहे हैं, लोग उन्हें सराहें। अब फिर से आते हैं फिल्म स्वाभिमान पर। तो स्वाभिमान फिल्म की जो मुहूर्त रखा गया ये बहुत ही ग्रैंड पैमाने पर रखा गया है, और इस फिल्म के लिए जल्द ही अपने मुंबई का शूट कंप्लीट करके पवन सिंह पहुंचे उत्तर प्रदेश, जहां इस फिल्म का मुहूर्त किया गया और पवन सिंह वहां मौजूद रहे। पवन सिंह ने यहां लोगों को ये कहा कि वो ऐसी ही लगातार अच्छी फिल्में देती रहेंगे, बस उनका प्यार और सपोर्ट बना रहे। आपकी क्या राय है हमारे इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।